सिकरीगंज पुलिस ने रविवार की रात्रि में गुमशुदा बच्चे को 5 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कल रात में सिकरीगंज पुलिस को फोन पर एक सूचना मिली कि 8 वर्ष का बच्चा कहीं गायब हो गया है। पुलिस को सूचना परिजनों ने कई घंटों के बाद बच्चे को ढूंढने के बाद दी थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए थानाध्यक्ष अपने टीम के साथ बच्चे को खोजने के लिए निकल गए तथा काफी परिजनों के साथ खोजबीन के बाद बच्चे को उसके घर से 2 किलोमीटर के अंदर केले के पेड़ के पास से बरामद किया गया, जो कि सोया था और ठीक था, जिसकी पहचान रियांश पुत्र गुड्डू निवासी सतारा मोहन थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उसके बाद बच्चे को परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिस पर परिजनों द्वारा काफी प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा पुलिस टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, क्या नाम है? अरे वेरी गुड, तो बढ़िया, बहुत चंचल लड़का है। बच्चे को बरामद करते हैं। कल रात में सिकरीगंज पुलिस को एक सूचना मिली कि 8 वर्ष का बच्चा शाम को 6:30 बजे के बाद गायब हो गया है। पुलिस को ये सूचना उन लोगों ने काफ़ी ढूंढने के बाद कई घंटे बाद दी थी। हल्का प्रभारी, थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी तीनों के नेतृत्व में ग्रामवासी और परिवार के लोगों को लेकर के रात में ही बच्चे को तलाशने की प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग 1 से 1.5 घंटे के प्रयास के बाद बच्चा अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर रास्ते के किनारे कुछ केले लगे हुए उन्हीं के पास सोया मिल गया। सकुशल बच्चा बरामद हुआ, परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तत्काल पुलिस के प्रयास से एक बिल्कुल कह लीजिए नौनिहाल उसकी माँ बाप को मिल गया, जिससे वो भी परेशानी से मुक्त हो गए।